दोस्तों, जानवर जो कि अपनी पूरी जिंदगी आराम से जंगलों में बिताना चाहते हैं, वहीं हम इंसानों के वजह से इन जानवरों का अस्तित्व आज खतरे में है। लेकिन इस दुनिया में आज भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो ना सिर्फ इन जानवरों को बचाते हैं बल्कि उनके लिए सच्चे दोस्त बनकर उनका साथ देते हैं। बदले में जानवर भी अपने दोस्त को ढेर सारा प्यार देते हैं। बात है साल 2015 की, जब एक लायन जिसका नाम जुपिटर था, जिसे एक सर्कस में लोगों का मनोरंजन करने के लिए लाया गया था। सर्कस वाले पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन इन जानवरों का जरा भी ख्याल नहीं रखते हैं। ऐसा ही हुआ जुपिटर के साथ। उसे ठीक से खाना ना मिलने के वजह से वह बहुत बीमार हो गया और दिन ब दिन कमजोर होता चला गया। इसकी जानकारी जब एक एनिमल रेस्क्यू संस्था चलाने वाली एना जूलियट को लगी तो उन्होंने जुपिटर को वहाँ से निकलवाया और चिड़ियाघर में भिजवा दिया। लेकिन वहाँ भी उसे ठीक से खाना ना मिलने की वजह से जुपिटर और बीमार हो गया। एना यह सब देखकर बहुत दुखी हुई और इस शेर को अपने साथ अपने घर ले गई। जुपिटर का वजन मात्र 90 किलो तक रह गया था और उसके शरीर के बहुत से अंग काम करना बंद कर रहे थे। लेकिन एना ने हार नहीं माना और उस शेर का अच्छी तरह ख्याल रखा। एना इस शेर की देखभाल अपने बेटों की तरह करती रही। धीरे धीरे जुपिटर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब जुपिटर और एना माँ बेटे की तरह प्यार करते हैं। जुपिटर हर बार अपनी माँ को गले लगाकर थैंक्स कहता है। एक बिल्ली की सच्ची दोस्ती। इटली के रेनो लॉजली अपने पालतू बिल्ली टोल्डो को बेहद प्यार करते थे। उसके खाने का ध्यान रखते और हर रोज उसके साथ खेला करते थे। लेकिन 71 साल की उम्र में रेनो की मृत्यु हो गई। 22 सितंबर 1911 की इस घटना के बाद टोल्डो बेहद उदास हो गई। अपने मालिक से यह बिल्ली इतना प्यार करती थी कि अपने मालिक के कब्र पर लगातार एक साल तक उपहार ले जाती रही। बिल्ली अपने अनुसार उपहार ले जाती थी। बिल्ली के उपहार में पत्ते, टहनियाँ, टूथपिक और प्लास्टिक के कप आदि बिल्ली उनके लिए ले जाया करती थी। कई बार लोगों ने इस बिल्ली को पत्थर मारकर वहां से भगा दिया लेकिन फिर भी बिल्ली छुपकर अपने मालिक के कब्र पर चली जाती थी। दोस्तों, ये जानवर बोल नहीं सकते हैं लेकिन ये अपने मालिक के बहुत वफादार होते हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों को कभी नहीं भूला यह शेर। 1969 में लंदन के निवासी एंथनी बोर्ग और उनके दोस्त चिड़ियाघर घूमने गए। वहाँ उन्हें एक क्यूट सा शेर का बच्चा दिखाई दिया जो उन्हें पसंद आ गया। उस वक्त चिड़ियाघर में यह नियम था कि अगर कोई चाहे तो किसी भी जानवर को खरीद सकता है। एंथनी ने उस शेर के बच्चे को खरीद लिया। उन्होंने उस शेर का नाम रखा क्रिश्चियन। शेर धीरे धीरे बड़ा होता गया। दोनों शेर के साथ खूब मस्ती करते थे और इन दोनों के साथ शेर गाड़ी पर घुमा करता था। जब क्रिश्चियन बड़ा हो गया तो उसे घर पर रखना मुश्किल होने लगा और उन्होंने फैसला किया अब इस शेर को अफ्रीका के जंगलों में छोड़ दिया जाए। कुछ सालों बाद दोनों ने सोचा कि क्रिश्चियन से मिला जाए। दोनों जंगल पहुंचे उसी जगह जहां उन्होंने क्रिश्चियन को छोड़ा था और कुछ समय बाद ये हुआ। दोस्तों, क्या आपके लाइफ में कोई सच्चा दोस्त है? हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने सच्चे दोस्त को भी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे।